आज हम लोग शुरू कर रहे हैं एक नया टॉपिक इम्यूनोलॉजी। मेडिकल साइंस में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये अगर देखा जाए तो ये माइक्रोबायोलॉजी का ही एक पोर्शन है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी की बात करें तो व्हाट इज इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द इम्यूनिटी इज नोन एज इम्यूनोलॉजी। यानी कि मेडिकल साइंस का वही सब ब्रांच जिसमें हम लोग इम्यूनिटी के बारे में पढ़ते हैं वो कहलाता है हमारा इम्यूनोलॉजी। व्हाट इज दिस इम्यूनिटी। इम्यूनिटी की बात हम करते हैं तो इम्यूनिटी क्या है, तो इम्यूनिटी जो है वर्ड इम्यूनिस से आया हुआ है। वर्ड इम्यूनिस, दिस इज लैटिन वर्ड, लैटिन वर्ड से आया है इम्यूनिस। इसका मतलब होता है एग्जेम्प्ट और फ्रीडम, एग्जेम्प्ट और फ्रीडम। इम्यूनिस मतलब एग्जेम्प्ट और फ्रीडम। मैं इसका देख लेते हैं हम लोग। इम्यूनिटी द रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी अगेंस्ट द पैथोजेनिक एजेंट इज नोन एज इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या है, तो हमारे बॉडी की वो क्षमता जिसके जरिए हम क्या करते हैं पैथोजेनिक एजेंट से अपने आप को बचाते हैं। पैथोजेनिक एजेंट कहने का मतलब कि वैसे एजेंट्स जो हमें डिजीज काउज कर सकते हैं, जो हमें बीमार कर सकते हैं, तो उसको उससे अगर हमें बचाता है वही हमारा इम्यूनिटी कहलाता है। यानी कि हमारे बॉडी का वैसा क्षमता जो हमें रोग से बचने का रोग से बचाता है वो इम्यूनिटी कहलाता है। और इससे वक्त पता भी चल रहा है एग्जेम्प्ट फ्रॉम व्हाट और फ्रीडम फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम डिजीज, फ्रॉम डिजीज। यानी कि डिजीज से फ्रीडम दिलाता है, डिजीज से बचाता है, उसी को हम कहते हैं इम्यूनिटी व्हाट कहते हैं। इट इज द एबिलिटी टू रेजिस्ट डैमेज फ्रॉम द फॉरेन सब्सटेंस सच एज माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड हार्मफुल केमिकल्स सच एज टॉक्सिंस रिलीज बाय द माइक्रोऑर्गेनिज्म। बात कर रहे हैं कि आखिर ये हमें बचाएगा किससे, तो पैथोजेनिक एजेंट से। तो वो पैथोजेनिक एजेंट है कौन सा, तो वो पैथोजेनिक एजेंट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिससे चारों तरफ से हम घिरे हुए हैं, माइक्रोब से हमें बचाता है या फिर माइक्रोब से रिलीज केमिकल्स से बचाता है। माइक्रोब जो केमिकल्स रिलीज करते हैं उससे हमें बचाता है। अगर बात करें तो हम माइक्रोब से पूरी तरह से घिरे हुए हैं, हमारे शरीर पे पूरे माइक्रोब्स भरे हुए हैं और चारों तरफ से हमारे एयर में माइक्रोब्स है, हर तरफ माइक्रोब से घिरे हुए हैं। लेकिन कंटिन्यूटी में हम उससे बचाने वाला हमें कौन है, तो वन एंड ओनली इम्यूनिटी। इम्यूनिटी हमें उससे बचाता है। तो एक वर्ड है या रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब द एबिलिटी ऑफ टू वार्ड ऑफ डिजीज थ्रू आवर डिफेंसेस। बात वही मैंने अभी कहा, रेजिस्टेंस क्या है, तो वैसा एबिलिटी जो हमें डिफेंस प्रोवाइड करता है, जो हमें क्या करता है बचाता है फ्रॉम डिजीज, डिजीज से हमें बचाता है, उसी को हम कहते हैं रेजिस्टेंस, उसी को कहते हैं इम्यूनिटी। यानी कि रेजिस्टेंस पावर इज इम्यूनिटी। अगर बात करें इम्यूनोलॉजी की, तो फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, हु इज द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी इज एडवर्ड एंथनी जेनर। ऐसे इम्यूनोलॉजी की हम बात करें तो इम्यूनोलॉजी काफी वक्त पहले अप्रॉक्स 430 BC में ही थुसाइसाइडस ने ही अपने किताब में लिख दिया था कि उस वक्त एथेंस में क्या होता था, प्लेग डिजीज कॉमन हो जाते थे। प्लेग अक्सर होता था जो महामारी के शक्ल में क्या करता था, काफी नुकसान पहुंचाता था। उसी वक्त उन्होंने अपने 430 BC में ही किताब में अपने लिख दिया था कि, यानी कि उस वक्त इम्यूनोलॉजी वर्ड तो नहीं दिया, बट उस वक्त उन्होंने इम्यूनोलॉजी का कंसेप्ट जो है उन्होंने दिखा दिया था। वो दिखाया था क्या कि उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि प्लेग से जो ग्रसित हैं पेशेंट्स उनको वही नर्सिंग दे जो जिनको पहले प्लेग हो चुका है और वो क्या है रिकवर हो चुके हैं, वैसे ही लोग उन्हें
नर्सिंग डे, चूंकि उनको फिर दोबारा प्लेग अगर एक बार अटैक कर चुका है, वो रिकवर हो चुके हैं, तो दोबारा उन्हें प्लेग नहीं होगा। ये हमारा थीम एक्चुअल में अगर हम आगे पढ़ेंगे तो ये हमें नजर आएगा कि उन्होंने उस वक्त 430 BC में ही बता दिया कि कंसेप्ट क्या है इम्यूनोलॉजी का या फिर वैक्सीनेशन का। वैक्सीनेशन का कंसेप्ट उसी वक्त उन्होंने दे दिया था। लेकिन फादर की बात करें, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी की, तो एडवर्ड एंथनी जेनर को बोला जाता है। वजह, इन्होंने पहले यही शख्स थे जिन्होंने स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट सक्सेसफुल वैक्सीन बनाया। वैक्सीन बनाया कब? 1798 में इन्होंने प्रोड्यूस किया व्हाट, वैक्सीन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, और इनको क्या कह दिया गया, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। ये एक्चुअली में इंग्लिश फिजिशियन थे और साइंटिस्ट थे फ्रॉम इंग्लैंड। लेकिन अगर वैक्सीन वर्ड हम बताएं कि वैक्सीन वर्ड किन्होंने दिया, तो वैक्सीन वर्ड देने वाले हैं लुईस पाश्चर। लुईस पाश्चर का एक बहुत बड़ा योगदान है इम्यूनोलॉजी में या फिर माइक्रोबायोलॉजी में। अगर कहें तो कई ऐसे चीज हैं जो लुईस पाश्चर से जुड़े हुए हैं। जैसे पहली बात हमने अभी बात कर ली कि वैक्सीन वर्ड किसे ने दिया, तो वैक्सीन वर्ड दिया किसने, तो लुईस पाश्चर ने, ये वर्ड फ्रॉम वाका, वाका मतलब होता है काउ। तो इस पे नाम पे इन्होंने फर्स्ट टाइम वैक्सीन वर्ड दिया और इनको कहा गया है प्रोजेनिटर ऑफ मॉडर्न इम्यूनोलॉजी, यानी कि मॉडर्न इम्यूनोलॉजी के शुरुआत करता कौन है, तो लुईस पाश्चर। और इनका माइक्रोबायोलॉजी में इनका बहुत बड़ा योगदान है या फिर इम्यूनोलॉजी में बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो हम बात कर लें क्या है, तो एडवर्ड एंथनी जेनर फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी एंड प्रोजेनिटर ऑफ मॉडर्न इम्यूनोलॉजी इज लुईस पाश्चर। अब बात करते हैं इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम क्या है, तो इम्यून सिस्टम ऑफ बॉडी क्या है, तो वैसा जो प्रोटेक्ट करता है बॉडी को किससे, किससे करता है, फ्रॉम डिजीज। हर बात आएगी हमारी बात डिजीज पे आके अटकेगी कि डिजीज से बचाने वाला ही इम्यूनोलॉजी। जहां इम्यूनिटी की बात आएगी वहां बात आएगी डिजीज की। तो हमें इम्यून सिस्टम क्या है, तो बॉडी का वो पूरा सिस्टम जो क्या करता है, इन्वॉल्व है टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिजीज। डिजीज से बचाने के लिए क्या है कि जो पूरी तरह से समर्पित है या फिर डिजीज से बचाने में हेल्पफुल है, उसी को कहते हैं इम्यून सिस्टम। ये पूरा सिस्टम हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम कहलाता है, जो डिजीज से हमें बचाता है। इसमें है कौन, तो पूरी तरह से इम्यून सेल्स इन्वॉल्व्ड हैं, जो क्या होता है पूरे बॉडी में हमारे फैला हुआ है, पूरे बॉडी में हमारा इम्यून सेल्स ही फैला हुआ है, जो डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप करता है, डिफेंस करता है। तो जैसे कि हमारा स्प्लीन है, स्प्लीन में मौजूद होता है, लिम्फ नोड्स हो गए, बोन मैरो हो गए, थाइमस, और साथ साथ पूरे बॉडी ब्लड में सर्कुलेट करता है कौन, हमारा इम्यून सेल्स पूरे बॉडी में हमारा सर्कुलेट कर रहे हैं भाया ब्लड एज वेल एज स्प्लीन, लिम्फ नोड्स और बोन मैरो और थाइमस में भी मौजूद होते हैं, जिनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, और साथ साथ हमारे सेल्स डिफरेंट बॉडीज में भी मौजूद हैं, जो क्या करता है, ये पूरा मिल करके हमारा इम्यून सिस्टम का डेवलपमेंट करता है और मिल करके क्या करते हैं, डिजीज से हमें बचाता है। तो इम्यूनिटी की क्लासिफिकेशन की बात अगर हम करते हैं, तो इम्यूनिटी को दो पार्ट में बांटा गया है, इननेट इम्यूनिटी, फर्स्ट पार्ट इज इननेट इम्यूनिटी एंड सेकंड वन इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब इननेट इम्यूनिटी को फिर तीन पार्ट में बांटा गया है, स्पेसिस इम्यूनिटी, रेशियल इम्यूनिटी एंड इंडिविजुअल इम्यूनिटी, स्पेसिस, रेशियल, इंडिविजुअल। और वही एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करेंगे, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी को दो पार्ट में बांटा गया है, फर्स्ट वन इज एक्टिवली एक्वायर्ड इम्यूनिटी, सेकंड वन इज पैसिवली एक्वायर्ड इम्यूनिटी। फिर एक्टिवली एक्वायर्ड इम्यूनिटी को दो पार्ट में बांटा गया है, नेचुरली एक्टिवली एक्वायर्ड इम्यूनिटी, नेक्स्ट वन इज आर्टिफिशियली एक्टिवली एक्वायर्ड इम्यूनिटी, और पैसिवली एक्वायर्ड इम्यूनिटी को दो पार्ट में बांटा गया है, नेचुरली पैसिवली एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड सेकेंड वन इज आर्टिफिशियली पैसिवली एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब इन क्लासिफिकेशन को हम डिटेल में वन बाई वन
डिफरेंट टॉप डिफरेंट वीडियो में हम लोग अपलोड करने की कोशिश करेंगे, अपलोड करेंगे इसको। थैंक यू।